बेसन लड्डू हर किसी को पसंद आता है। ये लड्डू इतनी टेस्टी है कि बार बार खाने का मन करता है। इस बार त्योहार के लिए ये रेसिपी ट्राई करिए और आप घर पे ही बना दीजिए बेसन का लड्डू। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल रेसिपी है, फॉलो करिए एंड आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी बेसन लड्डू। बेसन लड्डू बनाने के लिए पैन में आधा कप घी, उसमें से सिर्फ एक चौथाई कप घी डाल के उसी के साथ डालेंगे दो कप बेसन। यहाँ हम दो कप बेसन का लड्डू बना रहे हैं। बेसन को घी के साथ मिलाएंगे अच्छे से। गैस को ऑन करके लो फ्लेम में 20 मिनट तक आराम से इसे पकाना है। शुरुआत में घी का इस्तेमाल कम करना है, अदरवाइज बेसन तो पकेगा नहीं। इसके लिए लो फ्लेम में घी को एंड बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद इसे रोस्ट करते रहना है। बेसन का रॉ स्मेल जाने तक इसे रोस्ट करना है। इन बिटवीन स्पैटुला के हेल्प से गुठलियां दैट इज लम्प्स वो निकाल देंगे क्रश करके। धीरे धीरे बेसन का कलर चेंज होते जा रहा है। इस पॉइंट में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी और बेसन को अच्छे से मिलाएंगे। इस 20 टू 25 मिनट्स का प्रोसेस में फ्लेम को लो रखते हुए लगातार चलाते हुए बेसन को रोस्ट करना है। इनकेस आपने फ्लेम हाई किया और बेसन को रोस्ट करते हुए बर्नट हुआ देन द लड्डूज मेटर्स टेस्ट बिटर, लड्डू कड़वा हो जाएगा। इसके लिए पेशेंसली इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। इन बिटवीन आपको लम्स दिखे तो वैसा वीडियो में दिखाया है वैसे स्पैटुला से क्रश करके इसे पाउडर बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो रॉनेस चला गया है एज वेल एज कलर भी चेंज हुआ है बेसन का। अब इस टाइम पे हम डालेंगे 2 चम्मच घी। मैंने पूरा प्रोसेस में आधा कप घी का यूज किया है। इस उसमें से एक चौथाई कप इन द बिगिनिंग डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में घी डाल के इसे पकाया हुआ है। मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप बेसन के लिए आधा कप घी बस होता है। दैट्स मोर देन इनफ फॉर द बेसन लड्डू। इनकेस आप ज्यादा घी का इस्तेमाल किया तो लड्डू एकदम गीला इन द सेंस वाटरी सॉर्ट ऑफ बन जाते हैं, ऑयली बन जाते हैं। इसके लिए मेजरमेंट का ध्यान रख के बेसन लड्डू बना दीजिए। बेसन के साथ अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बेसन चेंज द कलर और पक भी गया है। फिर भी हम एक बार इसे अच्छे से मिलाएंगे। लिटरली हमें क्रीमी टेक्सचर आने तक बेसन को रोस्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज हुआ है, घी रिलीज हुआ है बेसन से। बेसन 80% पक गया है। अब आधा कप में बचा हुआ घी डाल के इसे और 5 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट बेसन को रोस्ट करने के बाद बेसन का टेक्सचर एकदम क्रीमी एंड मॉइस्ट हुआ है। अब फ्लेम को ऑफ करके इमीडिएटली पैन से निकाल के एक वाइड बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। बेसन को हमें ठंडा होने के लिए रखना है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, अब अदरवाइज ल्यूकवार्म होने तक इसे रखना है। एकदम ठंडा भी नहीं, एकदम गर्म भी नहीं, ल्यूकवार्म। बेसन मिक्सचर ठंडा हुआ है, इसमें हम मिलाएंगे आधा टीस्पून कार्डमम पाउडर। उसके बाद इसे स्पैटुला के हेल्प से मिलाएंगे। मिक्सचर ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना है क्योंकि हमें पिसा हुआ चीनी डालना है और चीनी डालते वक्त टेम्परेचर नॉर्मल या लुकवार्म होना चाहिए। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप शुगर पाउडर। इसे पहला स्पैटुला के हेल्प से मिक्स करेंगे, उसके बाद हाथ से इसे अच्छे से मिलाएंगे। कोशिश करिए हाथ से ही मिलाने के लिए क्योंकि लम्स रहेगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ ऑलमोस्ट शुगर मिक्स हुआ है बेसन मिक्सचर के साथ। लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हुआ है। अब बेसन का लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके द वे आई हैव शोन यू इन द वीडियो वैसा प्रेस करके अच्छा सा एक लड्डू बनाएंगे।
बेसन लड्डू मीडियम साइज का रहेगा तो दिखने में अच्छा लगता है। यहाँ मैंने डेकोरेटिव पर्पस के लिए आलमंड्स लिए हैं, आप चाहिए तो कोई दूसरा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ लड्डू बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही बचा हुआ मिक्सचर से सारा लड्डू बना के तैयार करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट से लड्डू बनाएगा तो कभी भी फेल नहीं होगा। इस बार त्योहार के लिए आप ये रेसिपी ट्राई करके लड्डू बना दीजिए। यहाँ मैंने सारा लड्डू बना के तैयार किया है। 2 कप बेसन से 10 बेसन लड्डू तैयार हुआ है। सेम मेजरमेंट में आप चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट पकाने का टाइम पे मेजरमेंट के हिसाब से कम बेसन लेके पकाएगा तो जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ आप लोगों को। यू कैन सी द स्टिफनेस एंड द मॉइस्ट एंड द टेक्सचर, इट्स एकदम परफेक्ट बना हुआ है। लड्डू बनाने के बाद आप इमीडिएटली भी खा सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि 15 मिनट इसे ड्राई होने दीजिए, देन यू विल गेट द स्टिफनेस मॉइस्ट एंड गुड टेक्सचर फॉर द लड्डूस। आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए। ऑल्सो आज का ये रेसिपी आपको पसंद आई तो जरूर इसे लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर। कुक विद कविताज किचन, कविता।